Namaste. Thank you. So tell us something about your new single. The single is basically a love story wherein the girl suffers heartbreak but then finds love at the end. But the story is different, so to know that you can watch the video on the TCD's YouTube channel. Okay, Namaste ke baare mein baat kare, so people are eagerly waiting for it for your next aur Laila ko bahut hi acha response mila hai. So what was the response you are getting until now? Until now, I think I'm getting a good response people are liking the work I do. They're liking my voice, which I'm very grateful for. और आगे भी मुझे अपने आप पे काम करना है और यू नो सीखना है और अच्छे वीडियोज और गाने गाने हैं. तो आई थिंक आई एम वर्किंग ऑन इट एंड होपफुली पीपल विल सपोर्ट मी. ओके धोनी, आपने बहुत कम समय में बहुत नाम कमा लिया है. आप ये बताइए कि सिंगिंग की आपने तालीम कहाँ से ली? तो मैं स्कूल भी पहले क्वायर में गाती थी बट उसके बाद मैं उस हिमेश सर से मिली और उसके बाद जब मैं 17 साल की थी तब मैंने क्लासिकल चालू किया. दिलबर सॉन्ग के भी बारे में एक किस्सा हमने सुना है कि शायद वो पहले किसी और को अप्रोच किया गया था फिर बाद में आपको वो, ऐसा कुछ सही है? मुझे पता नहीं. मैंने भी उसे क्यू ट्रैक की तरह ही गाया था और नेहा मैम ने भी उसे क्यू ट्रैक की तरह, मुझे पता नहीं, शायद गाया हो क्योंकि अच्छा. इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं, शायद उन्हें पूरा गाना गाना मिलने वाला था. बट समहाउ डायरेक्टर्स लाइक्ड माय वॉइस और जो पार्ट्स मेरे रिटेन हुए हैं जैसे वंतरा है और स्टार्टिंग की जो पांच लाइन है, आई थिंक उनको ये टेक्स्चर चाहिए था जो मैंने गाया था. उनकी उनका डिसीजन है, अभी मैंने कुछ किया. ओके हमने अभी देखा ड्यूरिंग द शूट बहुत ही रियलिस्टिक हो चुके हैं और टीयर्स के बारे में बात करें तो आपको आ ही नहीं रहे थे. और व्हाट वाज द मंत्रा? बट व्हाट वाज द मंत्रा? आपने कुछ रिसनी या कुछ यूज नहीं किया, इट वाज नेचुरल. या ऑब्वियसली. सो क्या था, हमने सुना कि आपने कुछ डैडी को कॉल किया, फिर क्या प्रोसेस? व्हाट वाज इट? नो देयर वाज नथिंग एक्चुअली. आई एम वेरी क्लोज टू माय फादर और किसी और चीज से रोती नहीं अनलेस मेरी डैड ने मुझसे कुछ कहा हो या कुछ इमोशनल बातें हो. वेरी अटैच्ड टू हिम. सो अगर वो अगर मुझसे थोड़ी भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं तो मैं टप 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 करना. ओके डू यू थिंक ये सिंगल एल्बम आपके जो पहले के जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक कर पाएगी क्योंकि 300 मिलियन लैला क्रॉस कर चुके हैं. लैला नहीं, ले जा लैला को भी अब मिल भी नहीं हुआ है. हो जाएगी बेसिकली. अभी मतलब मैं ये नहीं सोचती कि मुझे रिकॉर्ड तोड़ना है या कुछ. हम सिर्फ स्ट्राइव करते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट बाहर आए और जितनी भी जनता देख रही है उसी दिल में बसे. 100 हो, 200 लोग हो, 10 लोग हिंदी हो, बट उनको उन्होंने अगर वीडियो देखा है तो उनके दिल को छूना चाहिए. ये मेरा मोटिव है. सोशल मीडिया आज के समय पर आर्टिस्ट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? आई थिंक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज मैं कोई फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं आई हूँ. मुझे अपनी फॉलोइंग स्क्रैच से बढ़ानी पड़ी और उसी के लिए आपको सोशल मीडिया की जरूरत पड़ती है क्योंकि यूजली क्यों अभी सब डिजिटल हो गया है तो टीवी ज्यादा लोग देखते हैं के लिए तो सोशल मीडिया प्रेजेंस जरूरी है. और अगर यू नो जब आपकी सॉन्ग्स बाहर नहीं आते तो आपका फैन कैसे आपसे कनेक्ट करेगा, उसको आपको पूरी लाइफ बता दीजिए. अच्छा आपने अपने डैड के बारे में बात किया, आपके मॉम के बारे में भी कुछ बताइए कि मेरी मॉम बहुत मैं बहुत प्यार करती हूँ मेरी मॉम से. मैं दोनों से बहुत अटैच हूँ जैसे हम सब होते हैं. और सो बेसिकली वास्ते में ऐसा है और आगे भी होता है बट इस एज ग्रुप में बहुत ज्यादा होता है. तो आई थिंक लास्ट क्या कहना चाहेंगे योर फैंस, एनी मैसेज यू लाइक टू गिव? जस्ट कीप लविंग व्हाटएवर आई डू. Sorry, but just keep loving my songs like you all have, you know, Leja and
मैं तेरी हूँ एंड लैला वुडंट हैव बीन योर विदाउट योर सपोर्ट एंड लव और आई प्रोमिस आई विल ऑलवेज बी ट्रू टू माई आर्ट एंड विल ऑलवेज गिव बेटर प्रोडक्ट एनी टाइम थैंक यू मैम थैंक यू.